आप सभी का स्वागत है चैनल में जिसका नाम है इंडियन गेमिंग। तो 22 एपिसोड के बाद टेस्ट मैच में डेब्यू कर रहे हैं और काफी मजा करने वाले हैं। हर एपिसोड में आपको एक मैच देखने का मौका मिलेगा क्योंकि यार टेस्ट मैच है तो बोरिंग भी होगा और गेम प्ले जो है काफी लंबा होगा। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा जो इंटरेस्टिंग मोमेंट्स है वो आपको प्रोवाइड करूं और आप लोग एंजॉय भी करें। तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो आने वाले टेस्ट मैच देखने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, नीचे रेड कलर का बटन है। आज टेस्ट मैच तो खेलेंगे, उसके साथ साथ रिव्यू कर देंगे WCC 3 के टेस्ट मैचों का, क्योंकि आपको पता है टेस्ट मैच का जो फीचर से अभी तक फिलहाल WCC 3 में नहीं आया है। तो देखते रहिए अंत तक, एंजॉय कीजिए। वर्ल्ड टेस्ट टेस्ट सीरीज का पहला मैच है हमारा साउथ अफ्रीका के खिलाफ। ऑब्वियसली हम स्विच करेंगे, बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं इस मैच को खेलने के लिए। तो हम जब जीतेंगे 2 नेशनल पॉइंट मिलेगा। 30 ओवर का टेस्ट मैच है और स्कोर कंटिन्यूसली बाउंड्री अगेंस्ट फास्ट बॉलर, ये हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। लोकेशन पुणे, इंडिया, इंडिया में है। तो मुझे लगता है एक मैच हारेंगे तो पूरा टूर्नामेंट से ही बाहर हो जाएंगे, ऐसा कुछ सिस्टम रखे हैं शायद, मुझे लग रहा है। कोई भी इक्विपमेंट हम नहीं लेके जाएंगे, बिना पैड बिना हेलमेट का खेलने उतारेंगे तो फिर भी हम खेलेंगे। तो टेस्ट डेब्यू हो चुका है WCC 3 में, अभी तक तो फिलहाल टेस्ट मैच का अपडेट नहीं आया है। चलो यार कंटिन्यू करते हैं। और ये रहा टेस्ट डेब्यू, यूनिफॉर्म भी देख लो यार टेस्ट का, जब आपको नहीं पता है तो। यानी जो भी अपडेट आएंगे टेस्ट मैच का तो इस टाइप का आपको मैचेस खेलने को या फिर देखने को मिलेगा, इससे पता लगा सकते हैं। बेसिकली रिव्यू वीडियो भी बोल सकते हैं। आज थोड़ी सी ओवरकास्ट कंडीशंस है, यानी कि दर्शकों से खचाखच भरा हुआ ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला मैच। तो हेड्स लेंगे कप्तान ने, डिकॉक कैप्टन। तो हेड्स है, ऑब्वियसली हम बैटिंग लेंगे यार, क्योंकि बॉलिंग जो स्पेल करेंगे बहुत लंबा लंबा स्पेल होगा। तो कोशिश करूंगा बॉलिंग को बहुत ही छोटा करूं। आगे की तरफ चल पड़े हैं दोनों ही टीम्स, तो इस नंबर पे बैटिंग करते हुए देखते नहीं हैं हम इनको। खैर आज इनको हमारा डेब्यू मैच बहुत ही ध्यान से खेलना होगा। ये है लॉफ्ट मीटर, ये लॉफ्ट मीटर विल हेल्प द बैट्समैन हिट लॉफ्टेड शॉट। मुझे पता है WCC 2 में भी हमें ये एक्सपीरियंस करने को मिला था। द लॉफ्ट मीटर प्रोग्रेस लाइन अर्ली विद द बैट्समैन प्रोग्रेस इन द गेम। एवरी बैट्समैन हैज द बेसिक स्किल, एग्जांपल 70% डिपेंड ऑन देयर बैटिंग ऑर्डर। बाय इंप्रूविंग दिस यू विल बी एबल टू हिट अ लॉफ्टेड शॉट वंस व्हेन द मीटर रीच 100। तो 100 होने के बाद ये जो लॉफ्टेड मीटर है उसके बाद ही हम लॉफ्ट शॉट खेल सकते हैं। The loft meter then reset to a better than basic skill value। जो जितना basic skill लेके जाएंगे batting करने उतरेंगे उतना ही आपको loft meter में percentage देखने को मिलेगा। जब आप उसको 100 करते हैं, एक loft shot है जो miss भी करें या फिर आप छक्के भी लगाएं, उसके बाद फिर से reset हो जाएगा वहीं का वहीं, यानी starting से फिर से आपको उसको up करना पड़ेगा। तो different concept है थोड़ा बहुत test matchों के लिए। One has to earn to use the loft meter as it make the game more interesting and closer to an actual test match। तो ये लाया है next to a multimedia में ताकि थोड़ा हमें realistic feel हो test matchों में भी। और last में क्या लिखा है, loft meter depends on every batsman batting performance, dot balls and runs। ये तो पता है हमें। तो अभी फिलहाल हमें loft meter नहीं मिला है, यानी lofted का option नहीं मिला है। तो पहले गेंद पे ही हमने सिंगल निकाल लिया है। तो हमारा टेस्ट रिव्यू का पहला रन, ये अच्छा शॉट है, ये गैप में भी है और शायद ना इसमें भी चौका नहीं मिलेगा हमें। फुर्ती से भागना होगा अगर जीवित रहना चाहते हैं तो। तो लॉफ्ट मीटर आ चुका है, अभी शॉट नहीं खेलेंगे, थोड़ा देर जाने दो उसके बाद। अभी फिलहाल दो दो करके देखे चलते हैं, लेकिन इस बार सिंगल ही मिलेगा, रिस्क नहीं ले रहा, रन आउट तो बिल्कुल नहीं होना है। तो उसके साथ लंच ब्रेक भी हो गया, क्या बात है यार। ऑब्वियसली स्पेंड करेंगे कॉइंस ताकि रिज्यूम हो गेम और मजा ले सके। वेट किसको पसंद है यार। स्क्वायर लेग की तरफ खेलना चाहते थे लेकिन गेंद गई है मिड विकेट क्षेत्र में। डबल आसानी से मिल जाएगा इसी के साथ 22 पे पहुंच गए, इसको तो खेलना पड़ेगा। अर्ली था और एक कैच, क्योंकि 22 गेंदों पे 26 रन बना के हम प्रविलियन की तरफ जा रहे हैं। मुझे डर ही था कि लॉफ्ट खेलेंगे तो यार आउट हो जाएंगे। तो पहला मैच का पहला इनिंग 26 रन।
कोई बात नहीं। और इसी के साथ 142 पे ऑल आउट हमारा टीम इंडिया। बहुत बढ़िया खेले पहली इनिंग, चलो कोशिश करते हैं तो अंजाम बॉलिंग में अच्छा कुछ करें। थोड़ा सा बदलाव, पहला गेंद हम ही करेंगे। फास्ट बॉलर को बुलाया गया, डेब्यू मैच है यार, गेंदबाजी तो जरूर अच्छा करना होगा। सेफ देन सॉरी, बढ़िया छोड़ा इस गेंद को, दिशा है गेंदबाजी वाइड, पहला गेंद वाइड के साथ। टीम को रन नहीं, जर्सी के पीछे जो नंबर लिखा है यार बहुत बढ़िया से लिखा है, बहुत डिटेलिंग किए हैं, सारे फील्डर्स आज क्लियर दिख रहा है कैमरे में। और ये उसने गैप निकाला है, क्या फील्डर रोक पाएगा? जी हाँ, तेज रनिंग, टेस्ट मैच में यार बॉलिंग करना बहुत बोरिंग काम है, तो ट्रिक वगैरह भी यूज करेंगे और नॉर्मल बॉलिंग भी करेंगे तो ज्यादा हमें एंटरटेन लगेगा। फ्लिक किया, रन बटोरे, और ये उसको बाउंड्री मिल जाएगा बहुत देर बाद, एक अच्छा सा शॉट और उसको बाउंड, लेकिन हम क्यों खुश रहे हैं वो मुझे पता नहीं। खुद गिरने का किया फैसला लेकिन मैच को कैच को पकड़ लिया। तो पहला विकेट हमारा, हम थोड़ा ट्रिक यूज कर रहे हैं क्योंकि यार टेस्ट मैचों में नॉर्मल बॉलिंग करना बहुत बोरिंग काम है, आप लोग समझ रहे हो, ताकि हम जल्दी से जल्दी ऑल आउट कर पाए और मैच को आगे बढ़ा पाए। तो WCC 3 के AI ने भी विकेट लेना स्टार्ट कर चुके हैं, 24 पे 2 हो चुका है। इस गेंद को पढ़ने में पूरी तरह से असमर्थ बल्लेबाज, हैंडर के एक्साय है, बैटिंग करना है, थोड़ी सी शंका अभी भी है खामोश। सामने वाला फील्डर देखो यार, पढ़ पाए ना जड़ पाए, जब हम बॉलिंग करने यानी रन अप पे जा रहे हैं तब देखना किस तरह से खड़ा हुआ है, ये देखो स्टाइल देखो इसका। कैच, और ये बढ़िया कैच, इस बार कुछ अलग एंगल से कैच दिखाया है और उसके सामने मत जा, बैट्समैन आउट हो चुका है, क्यों सामने से गुजर रहा है, अपनी विकेट सेलिब्रेशन कर रहा है। दो गेंदों फिर से कैसे जा, जी हाँ गेंदबाज डबल विकेट, दो गेंदों पे दो विकेट पहुंचे भी और पकड़ा, अच्छा कैच, जी हाँ और विकेट निकाले हैं, तो छठा विकेट अपने टीम का गिर चुका है, हमने 5 विकेट हॉल लिए हैं पहले मैच में, ऑब्वियसली ट्रिक यूज कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी निकालेंगे जरूर, और एंकर का रोल अदा करेंगे। दूसरी गेंद और फिर से विकेट, गेंदबाज इज ऑन अ रोल, तो बैटिंग बहुत ही जल्दी से आने वाला है हमारा, जकड़ लिया है यार। सच में आप लोग को पता नहीं कितना मिनट हो चुका है वीडियो का, लेकिन इस गेम प्ले को रिकॉर्ड करते करते 25 मिनट ऑलरेडी हो चुका है, फिर बहुत टाइम लग रहा है। इसलिए मैं ट्रिक यूज कर रहा हूँ ताकि जल्दी थोड़ा हो और गेम प्ले भी आपको जल्दी से मिले। और सिर्फ 2 विकेट इसी ओवर में निकालने का कोशिश, अभी भी ट्रायल जो है 100 के आसपास है, और ये फिर से विकेट, तो 9वां विकेट, गेंदबाज की बढ़िया, और ये खत्म, बल्लेबाज का तो काफी देर तक हमें वेट करना पड़ा है इस विकेट को निकालने के लिए, और फाइनली हमने अपने टीम को ऑल आउट कर दिए हैं 42 पे ऑल आउट, तो 100 रन का ट्रायल हमें मिल चुका है, तो जितना भी रन बनाएंगे 100 प्लस कर देंगे, टारगेट मिलेगा। इस साइड खेलते हैं, अब गैप निकाले हैं और ये पहला चौका नहीं मिलेगा, दौड़ के लेना पड़ेगा। अरे जा यार, जहां 2 होना चाहिए वहां 1 हुआ, फिर से गैप खुल चुका है तो इस साइड खेलेंगे, अच्छा शॉट गैप में भी है, इस बार तो चौका मिल जाए यार, नहीं मिलेगा, सूझबूझ के पकड़ा इस गेंद को फील्डर ने, तो 3 रन आसानी से, पहली बार हमने 3 रन लिए हैं। इस बार गैप निकाले हैं, बॉल स्पीड भी है, शायद आउटफील्ड रोक दे, लेकिन रोक देगा, अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी थी ही, फिर से 3 रन, भी बेहतर भागने की गति, इसको आगे बढ़ाते हुए धीरे धीरे, अच्छा शॉट, फिर से गैप में भी है, इस बार चौका दिला दो यार, ये पहला चौका, भागने की भी जरूरत नहीं, फाइनली टेस्ट मैच का चौकों का खाता खुल चुका है, परफेक्ट शॉट, ये दूसरा बाउंड्री,
जी हाँ, निकल जा और ये बाउंड्री लाइन पे। तो अच्छा इनिंग्स बिल्ड करते हुए डबल चौका, दो चौके इस इनिंग्स में लगा चुके हैं। तीसरे की कोशिश करेंगे कि नहीं, फील्डर के हाथ में। चलो इस बार लॉक्ड खेलेंगे, बहुत हुआ धीरे धीरे और गैप में भी खुला है, तो लॉक शॉट हो सकता था लेकिन लॉक गया था हमसे। अच्छा शॉट गैप में भी है, चौका मिल जाए उम्मीद तो है और ये चौका है चौके के साथ, मन में है थोड़ी सी। अच्छा शॉट गैप में भी है, पावरफुल है और ये चौका मिल जा यार, मिल जा। फील्डर के द्वारा बढ़िया ये पूरा बाउंड्री लाइन से पकड़ा ये सही में यार, संभल कर खेलना। दो रन के साथ संभाल रहे हैं अपनी टीम को, फिर से परफेक्ट और फिर से उसी दिशा में, लेकिन इस बार थोड़ा और पावर लगाए हैं शॉट पे तो चौका मिल जाए। तो लॉक्ड मीटर फिर से अनलॉक हो चुका है, क्या हम लॉक खेल पाएंगे इस गेंद पे? नहीं खेलेंगे, फील्डर बहुत डेंजरस जगहों पे है, तो धीरे से पुश करके सिंगल निकाल या फिर डबल लेंगे। जल्दी जा, पहुंच गए। तो डबल लेना बहुत ही ईजी है टेस्ट मैच में, जब आप खेल रहे हो टेस्ट मैच कैरियर मोड में तो आसानी से हर गेंद में कोशिश करो गैप निकालो और इस तरह से डबल निकालो। हाँ और ना में टाइम वेस्ट नहीं किया, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। और एक रन बाकी है हमारा हाफ सेंचुरी कंप्लीट होने के लिए, हमारे इस टेस्ट डेब्यू पे हाफ सेंचुरी और ये हमने लगा लिया हाफ सेंचुरी। इस बार डबल नहीं रहेंगे, पहले सेलिब्रेशन करेंगे उसके बाद जाके आगे की सोचेंगे। इसके साथ चलो बढ़िया इनिंग, चार चौकों की मदद से 30 गेंदों पे 50 रन। फिर से गैप खुल चुका है, क्या लगा पाएंगे चौका? जी हाँ शायद चौका चला जाए, जी हाँ चला गया कुछ इस तरह से, और ये दूसरे गेंद पे दूसरा चौका। बहुत आशा के साथ गेंद थमाई थी गेंदबाज को, गेम प्लान फिर लॉक अनलॉक हो चुका है, क्या छक्का मार पाएंगे? नहीं अभी नहीं लगाएंगे टिकड़ी वगैरह, मुझे बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है। नहीं डबल नहीं लेना है, सिंगल ही ठीक है। फिर से गैप खुला और ये हमने शॉट लगाया और ये हमें चौका। गैप खुले तो गैप में डालो यार, 74 इंडिविजुअल स्कोर, क्या हम 100 लगा पाएंगे? यानी 100 के करीब पहुंच रहे हैं, बहुत मुश्किल हो सकता है, इसको लॉक करेंगे। अच्छा शॉट गैप में भी है और चौका। फिर से यार सामने फील्डर हमारे लिए, ये चौका खाओ, झापड़ जैसे मारे और चौका मिल जाएगा। अच्छा शॉट गैप में भी है, स्पीड भी है गेंद, दो रन तो आसानी से मिल जाएगा। तीसरे का कोशिश नहीं करेंगे किसी के साथ, 96 पहले की तरफ खेलना चाहते थे लेकिन गेंद गई है मिड विकेट क्षेत्र में। और डॉट गेंद, अच्छा शॉट, दो रन निकालने का कोशिश करेंगे इसी के साथ, क्या हम 100 लगा पाएंगे? जल्दी दौड़ो यार, और ये हमारा 100 शानदार शतक, सिर्फ 59 गेंदों पे सेंचुरी लगाए हैं 11 चौकों के साथ, पहला हमारा 100 हमारे WCC3 के कैरियर मोड का, क्योंकि हमने ऑफलाइन जरूर लगाए थे। अब थोड़ा स्लो खेलने का कोशिश नहीं करेंगे, थोड़ा ज़्यादा शॉट खेलेंगे। तो 100 के बाद फिर से चौका, तो चलो इस बार थोड़ा खेलते हैं। अच्छा शॉट और गैप में भी है, लॉफ्ट मीटर तो यार अनलॉक है लेकिन फिर भी गैप जरूर निकाल सकते हैं, तो चौका क्यों ना बटोले। 50 रन की साझेदारी लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अच्छा गैप निकाले हैं, बहुत स्पीड में भी है तो चौका मिल सकता है और मिल जाए, एक छक्का नहीं लगा है उसको कोशिश करेंगे। 150 के आसपास पहुंच चुके हैं, गेंद को हल्के से धकेला है मिड विकेट के रीजन में, ये थोड़ा हवा में था लेकिन फील्डर कोई नहीं तो आसानी से सिंगल। क्या गैप निकाल पाएंगे इस गेंद पे? कोशिश तो वही रहेगा और गैप भी निकाले हैं और बाउंड्री भी मिल जाएगा। लॉफ्ट मीटर अनलॉक, तो लॉफ्ट जरूर खेलेंगे।
अर्ली है ग्रेट और कैच। ये शुरुआत तो बहुत अच्छी बड़ा इनिंग्स थी खत्म, लेकिन हुआ एक 150 अब्रप्ट नहीं एंड। कर बढ़िया पाए, पकड़ा कैच लेकिन ठीक है चलेगा यार। और ये शानदार पारी भी अब शानदार हुई है पारी समाप्त। यार, 16 चौके, 168 स्ट्राइक रेट, तो बहुत बड़ा टारगेट मिला है साउथ अफ्रीका ऐसा टीम लग रहा को, है कि अब यानी हार लगभग कर नई 500 गेंदबाज पूछेगी कुछ के कठिन। करीब। तो विकेट लेने का कोशिश जल्दी से निपटा देते हैं साउथ अफ्रीका टीम को, और पहला मैच हमारे टेस्ट मैच का जीत लेते हैं। फील्ड और में ये स्लाइड विकेट, मारकर पकड़ा ये तीसरा विकेट, अविश्वसनीय कैच टैक में। और ये विकेट। तो 2-3 ओवर के बाद फिर से हम स्पेल करने आए हैं, ऑलरेडी 5 विकेट गिर चुका है टीम का, साउथ अफ्रीकन टीम का। तो फिलहाल हमने मैं और एक अपने विकेट विकेट झटक को लिए हैं, आपको फिर नहीं तो मिला आज के तू दिन के लिए खामोश तू एट है पॉइंट और थ्री स्कोर ओवर बोर्ड बाकी पर। है, तो आज ही खत्म करने का कोशिश करेंगे। और ये विकेट बोलते बोलते विकेट, 7वां विकेट, तो जल्दी से खत्म करने का कोशिश। मैं देख खुद भी रहे हैं टायर्ड हो रहा सरफराज हूँ यार, अब्बास खड़ा है और पूरे आप लोग जज्बे भी के साथ शायद अपने नए जल्दी साल से के देख पाओगे, पूरे एंजॉय सपोर्ट कर पा रहे हो, मुझे जबरदस्त पता है गेंदबाजी यार, ये का टेस्ट फैसला मैच है है। लेकिन क्या पारी ओवर कर पाए। इसके साथ साथ आपको रिव्यू भी मिल चुका है, जो भी मेरे नए दोस्त देखने आए होंगे, हमारे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी पड़े हुए हैं चैनल पे, उनको जरूर चेक करना, बहुत मज़ेदार वीडियो है, बहुत कुछ हमने फेस किए हैं, उतार चढ़ाव, भगवान ने कभी मुझे पेशे अच्छा को बुलाया परफॉर्मेंस, है। कभी बुरा परफॉर्मेंस। हर दिन जैसे कैरियर मोड में नहीं होता डामाडोल, हमारे कैरियर मोड में भी डामाडोल बहुत है। और ये हिम्मत दस करने विकेट वाली है यानी क्योंकि ऑल हार आउट नहीं होती हमने नहीं लिया, ये टीम डब्ल्यू सी सी बुलाई थ्री इसे के एआई ने हारने लिया में है। है। दोनों तो ही टीम्स पहला ने टेस्ट चांस मैच छोड़ दिया हमारे अपने इस इस कैरियर मोड मैच को का जीतने के लिए। जीत के मैन ऑफ साथ द मिला था शुरुआत, एक ही विजेता तो जो टीम जीती मैन ऑफ द उसको मैच मिला। तो हमें ही मिलने वाला है, क्योंकि विकेट भी चटकाए हैं और इंडिविजुअल स्कोर जो था 140 के आसपास था, मैं भूल भी चुका हूँ कितना मारे थे हम। तो होप सो ये एपिसोड आपको बहुत ही पसंद आया होगा, बहुत ही लंबा एपिसोड है, लगभग 60 मिनट का गेम प्ले रिकॉर्ड हुआ है, और जीत के साथ शुरुआत वेस्ट इंडीज के साथ है। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए स्टे ट्यून रहिए, ये वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, आने वाले इसी तरह का कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस टॉपिक के रिलेटेड देखना चाहते हो तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में फ्रेश एंड फाइन एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।